आज हम आपको एक व्हीकल का ये टेलीफोन रिपेयर करके बताते हैं इसमें क्या कमी है। ये देखो, ये हमने इसमें डायल टोन नहीं आ रही, ये थोड़ा सा बज भी रहा है, और ये देखो ये डिस्प्ले आ रही है, ये कट भी नहीं रही। अब हम उधर से रिंग देंगे। ये रिंग बजने लगी है, अभी से उठा रहे हैं तब भी रिंग बज रही है, रिंग ही बजे जा रही है, जबकि इसको उठाने के बाद फ़ोन को ऑन होना चाहिए। तो चलो हम इसको खोल के रिपेयर करते हैं, आपको क्या बताते हैं इसमें कभी। दोस्तों इसमें चार पेज होते हैं, 1, 2, 3, 4। समय बचाने के लिए हमने पहले 4 पेज खोल दिए थे। अब हम इसको फ़ोन खोलते हैं। ये भी टाके आप फटा ही लो, नहीं तो दिक्कत करते रहते हैं बाद में लगा देना। ये है सेल के, ये प्लस ये माइनस, और ये जो ब्लैक है ये माइनस होता है, रेड वाला प्लस होता है। इस पर आप भूल भी जाओ तो लिखा होता है ये प्लस या माइनस लिखा है। ये तो हमें हटाने की जरूरत नहीं, तो यहीं से निकाल देते। चलो लगा देते हैं इसको दोबारे। इनको तार हटानी जरूरत नहीं, यहीं से कनेक्टर निकल जाएगा। अब पीसीबी ये खोल लेते हैं, पीसीबी में 2 पेज करके 1, 2, ये दोनों पेज खोल देंगे। ये पैड तो साफ है, ऐसे में दोस्तों ये वाली जो लिटिल स्विच है ये स्विच खराब हो जाता है इस बार को। देखते हैं कि ये स्विच खराब है कुछ और खराब है, इसको हम शॉर्ट भी करके देख लेंगे। टेलीफोन की लाइन दोस्तों ये वाला हमने स्विच चेंज कर लिया है, ये पुराना स्विच इसका है। ये पुराना स्विच था जो ख़राब हो रहा था, अब हमने ये नया स्विच लगा दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए ये घंटी बज रही है। अब हम छोड़ के हेलो, ये ओके हो चुका। दोस्तों इसमें दिक्कत ये थी कि रिंग बजती रहती थी इसको उठाने के बाद भी, तो जब ये दबा रहता है तब रिंग आती है, छोड़ देते हैं तो ये डायल टोन इससे इसमें आ जाती है रिसीवर में, लेकिन ये ख़राब हो रहा था तो उस पर रिंग बजती रहती थी, तो इसी वजह से इसमें हैंडसेट में डायल टोन नहीं आ रही थी। तो ये वाला हमने स्विच चेंज करा, इसके बाद ये ओके हो चुका। फिर आप जैसे ही आपने खोला है वैसे ही आप बंद कर सकते हैं इसको। पैड इसकी साफ़ है ही, अगर पैड गंदी होती है तो हम दोस्तों इसको पैड भी साफ़ करते हैं, इसके पैड इसके ओके। अब पहले ये रिंगर लगा लो नीचे, ये जो LED है ये बाहर जाएगी, बाहर दिखाई देगी, तो इसको यहाँ छेद नहीं करना है।
ये एलईडी भी बाहर आ गए। अब इसके दो पेज थे, दोनों पेज ऑफ लगा दो। ये मैंने कस लिया। और इसमें ये जो सेल के थे, सेल की आप ये लगा दीजिए। और ये हैंडसेट का भी कनेक्ट करा दूँ। दोस्तों हमारी दुकान थोड़ी मार्केट में है, आते जाते बाहर की आवाज़ें बहुत आती है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम शटर बंद करके वीडियो नहीं बनाते, शटर ओपन रहता है और कस्टमर आते जाते भी रहते हैं, उधर और आगे भी दुकान है, तो जिसकी वजह थोड़ी साउंड नॉइज़ आती रहती है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये इस तरह हमने पूरा बंद कर दिया, फिर हम इसको एक बार चेक कर देते हैं। जाने लगी, इधर बैल भी आने लगी, पहले बैल बसती रहती थी। इसी तरह दोस्तों इसका स्विच ख़राब था, आपसे रिपेयर कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।